नमस्कार दोस्तों, डिवाइन सोल योगा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत 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 मजा आएगा। तो जैसे कि मैं बता दूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद ही से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप जब ये करते हो मुझे सपोर्ट मिलता है, मुझे हिम्मत मिलता है और मैं नेक्स्ट टाइम पे इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते रहता हूँ, क्योंकि शुरू से ही हमारा एक्सपीरियंस आराम आराम से बढ़ते रहता है। तो आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी अच्छी मैं वीडियो बनाऊंगा और उतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगा। तो आप सभी को पता है कि जो हेल्थ है, जो आपकी बॉडी है, वो जितना फिट रहेगा उतना आपका माइंड फिट रहेगा, आपका सारा सोच फिट रहेगा। अगर आपकी बॉडी जो है वो कमजोर है तो आपका माइंड फिट नहीं रहेगा, आपके पैसे भी किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर आपकी बॉडी फिट है तो आप पैसे कमाने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहोगे और आपको काम करने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो अगर आप काम भी करते हो फिर भी आपके पूरे माइंड में एक ही चीज घूमता रहेगा, यार मेरी बॉडी फिट नहीं है, मैं बहुत मोटा हूं, बहुत पतला हूं, यार क्या हो क्या रहा है मेरे साथ में। मतलब जब आप फिट नहीं रहोगे तो अपने अंदर से आपके एक आवाज जरूर आएगा कि यार मेरे साथ में क्या हो रहा है, मैं फिट नहीं हूं। आपके अंदर से ऐसा फील होगा और जब आप फील करेंगे तो आपका जो पैसा है, कुछ भी है, जो भी है, वो किसी काम का नहीं है। इसके लिए मेहरबानी करके मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको खुद को फिट करने के लिए जितना आपसे हो पाए उतना आप खुद से एक्सरसाइज करने की कोशिश करते रहिए, क्योंकि अगर आप खुद फिट रहेंगे तो आगे जो है आपकी जो लाइफ है वो काफी अच्छे से चलेगी और आपका जो सोचने का पावर है वो काफी अच्छा होगा। तो मेरे दोस्तों ने काफी बोला कि भाई कॉमेडी वीडियो बना, ये वो। मैं बोला भाई मैं कॉमेडी नहीं, मैं हेल्थ के ऊपर ही वीडियो बनाना चाहता हूँ और लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ कि जो घर में रहते हैं या कुछ भी करते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई आपकी लाइफ के लिए, आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को फिट रखना। अगर आप अपने माइंड को फिट नहीं रखते तो आपका पैसा, आपका धन दौलत, कार, घर, मकान, जो भी है वो किसी काम का नहीं है। इसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप जितना आप खुद को फिट रखेंगे उतना ज्यादा आपको जीने में मजा आएगा, और जब जीने में मजा आता है तो मरने के बाद भी कोई गम नहीं होता है। और अगर आप फिट नहीं रहोगे तो भाई मरने के टाइम पे भी आपको बहुत गम होने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा गम होगा। आपको नहीं, आपकी फैमिली को भी गम होगा कि आप मतलब बीमार होके भी आप बीमार हो के मर गए। तो आज का टॉपिक बीमारी के ऊपर नहीं, आज का टॉपिक जो है वो खुद को फिट रखने के ऊपर है। तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो कहीं से मैं लिखता नहीं हूँ कि मुझे आज ये बोलना है वो बोलना है, जो भी वो मैं अपने दिल के अंदर से निकालता हूँ, जो दिल के अंदर जो दबा हुआ रहता है उसको बाहर निकालता हूँ और लोगों के साथ में वो शेयर करता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं लिखा हुआ है उससे मेरा नहीं भरे, वो मेरे अंदर से जो निकलता है उससे भरे। तो जो भी मैं बात बताऊंगा वो आपको किसी बुक पे नहीं मिलेगा, वो जो भी है मेरे दिल से बोल रहा हूं मैं। तो आप सब सुनिए ध्यान से और मजे लीजिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले, दो शायद 5 या 6 मिनट का होगा या 10 मिनट का भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मुझे पता नहीं कि मैं कितना मिनट बोलने वाला हूं। ठीक है, तो हम आज का वीडियो और थोड़ा आगे आगे लेके जाते हैं। तो मैं बाहर गया था पहली बार मेरी लाइफ में, ऐसा पहली बार हुआ कि जब मैं बाहर गया था कुछ मेडिकल में कुछ सामान लाने के लिए गया था, तो मैंने देखा मतलब यहां से एम्बुलेंस की आवाज आ रही, वहां से आ रही, मतलब आई थिंक मुझे लगता है मैं 15 से 20 मिनट था बाहर और मुश्किल से मुझे लगता है कि 10-15 एम्बुलेंस की आवाज आ गई। और ऐसा मैंने दूर से देखा एक एम्बुलेंस में, अरे बाप रे, मतलब एक पूरी फैमिली उसके अंदर है, सब कोरोना की वजह से परेशान है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको कोरोना नहीं होगा, भगवान ने जिसकी किस्मत में लिखा है उसको होगा, लेकिन आप जितना खुद को बचा सकते हो उतना बचाने की कोशिश करो। और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है, तो अगर कोरोना से बचना है तो घर में रहिए, खुद का इम्यूनिटी पावर बढ़ाते रहिए, खुद को फिट रखते रहिए। तो मैं देखा यार मतलब पूरी फैमिली एम्बुलेंस के अंदर है, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार मतलब इंसान की जिंदगी क्या है यार, कुछ नहीं। मतलब जब एक बीमारी आती है तो इंसान अपना अपना देखना शुरू कर देता है, मतलब कैसी है यार जिंदगी, कुछ नहीं है यार जिंदगी में। जिंदगी में सिर्फ आपकी बॉडी ही आपका सहारा है, अगर आपका फिटनेस ही आपका सहारा है, आपकी ये जो पूरी बॉडी है ना यही मेन है, पैसा मेन नहीं है। पैसा ये नहीं बोलता कि मेन नहीं, आपको कमाना नहीं है, पैसा सबके लिए जरूरी है, लेकिन सबसे पहले, पैसे से पहला आपकी बॉडी जरूरी है। अगर आप गरीब भी रहोगे ना आपकी बॉडी फिट रहेगी ना, आप अगर अंदर से मजबूत रहोगे ना तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। तो मैंने एक चीज बहुत बहुत ही ज्यादा सोचा कि यार इंसान की लाइफ क्या यार, बहुत बहुत मतलब बहुत ही डेंजर है। मतलब जब इंसान को भूख लगती है तो वो अक्सर खाना खाने के लिए जाता ही है, लेकिन हमको जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, पैसे के पीछे जाते हैं। हाँ,
ऐसा नहीं होता यार, अगर आपको भूख लगती है आप खाना खाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन खाने से पहले आप खुद को फिट रखो ना, कि आप खाना भी अच्छे से खा सको और पैसा भी अच्छे से कमा सको। अगर आपको भूख लग रही है आप पहला पैसे के पीछे जा रहे हो, पता चला आपके पास पैसे बहुत आ गए भाई, खाने की दुकानें बंद होगी तो आप पैसे क्या खाओगे क्या? ऐसा नहीं होता है। पहले आप अपनी बॉडी को फिट रखो, खाना पीना अच्छा खाओ, उसके बाद पैसे के पीछे भागो ना। अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आप पैसे भी अच्छे कमा ही सकते हो, लेकिन जितना भी कमाओगे उसमें आप खुश रह सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप 1 करोड़ कमाओगे तो ही खुश रहोगे या 10,000 कमाओगे तो ही खुश रहोगे। एक खुश रहने वाला इंसान 100 रुपए में भी, 100 रुपए में भी अपनी जिंदगी का सहारा, अपनी जिंदगी का गुजारा कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपको 1 लाख या 1 करोड़ ही चाहिए। कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो 10,000 में भी आप 10 लोगों को खाना खिला सकता है, ठीक है। तो आप जितना भी कमाते हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक ही चीज इंपोर्टेंट है, आप फिट रहो, लोगों को फिट रखो और आपकी खुद की बॉडी को फिट रखो। तो भाई कोरोना वायरस में मैंने बहुत चीज सीखा, मतलब लोग, कल मैं ऐसा एक वीडियो देख रहा था, मतलब लोग यार बिना बिना गाड़ी का यार पैदल दूर दूर जा रहे, मतलब धूप में जा रहे यार, मतलब सोचना पड़े यार क्या हो क्या रहा यार। मतलब मैं तो ऐसा वीडियो देख रहा था यार, मुझे रोना आ रहा था, मतलब क्या हो रहा है यार। मतलब मैं अपनी लाइफ में ये सोच भी नहीं सकता था कि मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे कि लोग पैदल गांव निकल जाएंगे यार, समझना पड़ेगा। मतलब अभी मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा कि लोग ऐसा करें या वैसा करें, लेकिन यार सोच सकते हो यार, इंसान की जान कितनी कीमती हो गई है कि अगर लोगों को मुंबई में अभी रहना नहीं है, उनका अभी पैसे नहीं है उसके पास, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो बेचारे क्या करेंगे, गांव में उनको सहारा है तो गाड़ियां नहीं मिल रही तो पैदल निकल गए। भाई मुझे रोना है, एक औरत अपने कांधे के ऊपर बच्चे को लेके जा रही है, वो बच्चा बेचारा चल रहा है, 2-3 बच्चे हैं, इतना लंबा लंबा सफर तय कर रहे यार। मैं तो सोचा कि भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं मुंबई में रहूंगा क्योंकि जब तक ये कोरोना वायरस खत्म नहीं हो जाता, यार आप लोग भी मुंबई में रहिए, जिसको रहना रहिए और जिसका सुविधा वो गांव चले जाइए। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि जिसको जाना है वो जाओ, जिसको रहना हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको रहना है क्या नहीं रहना, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो भाई जितना हो सके उतना आप कहीं भी रह रहे हो आप खुद को फिट रखो यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि जो भी मेरे देश के जो लोग हैं, मेरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो किसी न किसी बीमारी से परेशान हो जाए। मैं चाहता हूं हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो फिट हो और दुनिया को फिट करे, दुनिया को मोटिवेट करे कि उनको मजा आ जाए यार। ऐसा नहीं होता है कि आप खुद फिट रहोगे और दुनिया आपसे मोटिवेट नहीं होगा, आप फिट खुद फिट रहोगे तो आपसे दुनिया अपने आप ही मोटिवेट हो जाएगी। और आपको पता नहीं है कि ये वीडियो मैं आज बनाने वाला नहीं था, लेकिन कल मैंने वीडियो देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि यार इंसान की जिंदगी है ना कुछ नहीं है यार। मतलब जब तक सांस चल रही है तब तक आप जिंदा हो, सांस रुकी तो आपकी जिंदगी खत्म, आपके घर बैंक बैलेंस सबके सब खत्म। तो आप अपनी सांसों को, अपनी ब्रीदिंग को जितना बढ़ाओगे उतना बेस्ट है। मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि अपनी जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक चीज तो कर ही लो सबसे अच्छा है, ऐसा ये देखो डीप, मतलब एक नाक से सांस लो, दूसरे नाक से सांस बाहर छोड़ दो, और दूसरे नाक से सांस लो और एक नाक से सांस बाहर छोड़ दो। भाई 5-5 मिनट कर लो ना, कुछ पैसा नहीं लगता है भाई, एक्सरसाइज करने में पैसे नहीं लगते। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके पैसे बहुत लगने वाले, आपको पता है ना बॉडी फिट रहेगी तो आप फिट रहोगे। आप जितना कुछ भी कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपकी बॉडी है। तो मेहरबानी करके आप अपनी बॉडी को फिट रखिए और दूसरों को भी फिट रहने के लिए कहिए, क्योंकि आप फिट तो इंडिया फिट। मेहरबानी करके फिट इंडिया तो आप किसी से कम नहीं हो, ओके। मुझे आगे का याद नहीं था फिर भी मैंने अपने दिल से बोल दिया, तो आप फिट तो इंडिया फिट, तो आप भी फिट रहिए, लोगों को भी फिट करते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो मुझे जरूर बताइए यार, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं वीडियो के ऊपर और मैं चाहता हूं कि आप जैसे दोस्त लोग, आप जैसे जो अंकल आंटी है, चाचा चाची, वो सब मुझे प्यार करें। और जब मुझे आप प्यार करेंगे तो वो सारी दुनिया को दिखेगा, और जब दुनिया को दिखेगा तो लोग बोलेंगे कि हमको किसी ने तो रास्ता दिखाया, मतलब हमको फिट करने के लिए किसी ने तो अपने YouTube पे एक वीडियो बनाया और जो मोटिवेट करता है हमको और जो बोलता है कि आप फिट रहो यार और लोगों को भी फिट रखो। तो मैं आपको मोटिवेट करता हूँ यार, प्लीज यार आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चाहता यार कि आप फिट रहो यार। ऐसा तो नहीं है यार कि आप फिट नहीं रहोगे और ऐसा बीमारी मार हो जाओ, मैं नहीं चाहता हूं। आप सभी हो, वो आप मेरी फैमिली हो, जितने इंडिया में जितने लोग हैं वो सब मेरी फैमिली है, वो मेरे माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची, अंकल आंटी सब है, सब मेरे रिलेशन वाले, सब मेरे हैं। अगर मैं मरा भी ना तो अगर मेरे, मतलब जब मैं मरा तो मेरे मौत पे 10-15 लोग तो, अरे 100 लोग तो आना ही चाहिए ना यार। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखो, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि मैं वीडियो के ऊपर बहुत मेहनत करता हूँ यार।
आप लोगों के लिए करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं करता हूँ। तो मेहरबानी करके सब फिट रहिए और दुनिया को फिट रखिए। धन्यवाद धन्यवाद, अभी मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय।